हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक्निकल जुजुड़ी। सो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ हाउ टू क्रिएट यूट्यूब थंबनेल। ओके, सो आपका थंबनेल जो भी है उसके ऊपर आपको बहुत सारे क्लिक्स मिलते हैं, व्यूज़ मिलते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत ही ईजी है, सिंपल है, 5 मिनट के अंदर आपको बना के दिखाता हूँ मैं। और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर नए हैं तो। स्टार्ट करते हैं, गूगल क्रोम ओपन करता हूँ, यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पे एक वेबसाइट है canva.com करके, यहाँ पे आपको ओपन करना है। तो मेरा ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बुक मार्क्स में डाल दिया है, ये फ्री वेबसाइट है और पेड वर्जन भी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका लॉगिन है तो आप लॉगिन कर सकते हो डायरेक्टली, अदरवाइज साइन अप करके आप लॉगिन कर सकते हो। तो मेरा लॉगिन है तो मैं डायरेक्टली लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा। तो लॉगिन में आपको यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे टेम्पलेट आ रहे हैं, जो भी आपका टॉपिक है, योगा है, म्यूज़िक वगैरह, टेक्निकल है, तो आप वर्कआउट, जिम वगैरह सब के यहाँ पे टेम्पलेट है बाय डिफ़ॉल्ट, आप यहाँ से भी ले सकते हो। अदरवाइज आप डायरेक्टली क्रिएट अ ब्लैंक यूट्यूब थंबनेल यहाँ पे क्लिक करिए, तो ये नया पेज ओपन होगा ऐसे। तो यहाँ पे हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्पलेट बहुत सारे टेक्निकल के हैं, यहाँ पे म्यूज़िक के हैं, फिर ट्रैवल के हैं, ट्यूटोरियल है, फैशन के, मेकअप वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे सब कुछ दिखेगा आपको। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा टेक्निकल क्या रहेगा, मैं चूज़ करूँगा हाउ टू चेक पीसी कॉन्फ़िगरेशन इन विंडोज़ 10। तो मैं इसके ऊपर आपको थंबनेल बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑप्शन टेम्पलेट है, एलिमेंट्स, अपलोड्स, फोटोज़, टेक्स्ट, बैकग्राउंड, एम्बेड्स, ठीक है। यहाँ पे मोर में जाओगे तो आपको और भी ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे स्टाइल्स, ऑडियो वगैरह, यहाँ से ऑडियो भी ले सकते हो आप, बट वो पेड वर्जन में आता है। उसके बाद पिक्सल से पिक्साबे, एम्बेड्स, इमोजी वगैरह सब ऐड कर सकते हो यहाँ से। तो स्टार्ट कर दे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बैकग्राउंड लेते हैं। तो बैकग्राउंड में आप यहाँ से कोई भी एक बैकग्राउंड चूज कर सकते हो, या फिर सॉलिड कलर वगैरह जो भी आपको लगे सही यहाँ से ले सकते हो, मैं ये लेता हूँ हमेशा, ठीक है। ये हमारा हो गया बैकग्राउंड फर्स्ट। इसके बाद हमें इमेज चाहिए कंप्यूटर का, तो मैं एलिमेंट्स में जाऊंगा, यहाँ पे आपको इमेज मिल जाएंगे। एलिमेंट्स में मैं टाइप करता हूँ कंप्यूटर, कंप्यूटर, और कंप्यूटर में यहाँ पे आपको फ्री वाला इमेज लेना है, प्रो वाला आपको वाटरमार्क के साथ आएगा तो वो नहीं लेना है। तो मैं यहाँ पे ये वाला इमेज लेता हूँ, ठीक है। ये इमेज मैंने ऐसे यहाँ पे रख दिया है, ठीक है, इसको पूरा ऐसे लगा के यहाँ पे लगा देता हूँ ऐसे। और ये जो लेफ्ट साइड में हम लोग यहाँ पे हमारा टॉपिक का जो भी सेंटेंस है वो लिखेंगे, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे, इमेज तो हम लोग ने लगा दिया कंप्यूटर का। ओके, तो अभी सेंटेंस लिखना है हमें। तो सेंटेंस के लिए यहाँ पे टेक्स्ट में जाना है आपको, टेक्स्ट में आपको यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे नीचे स्टाइल्स, फॉन्ट स्टाइल, तो आप यहाँ से ले सकते हो कोई भी, अगर आपको जो भी अच्छा लगे वो आप ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे न्यू हेडिंग ऐड करूँगा, तो ऐड ए हेडिंग यहाँ पे मैं डाल दूंगा और यहाँ पे मेरा टॉपिक मेंशन करूँगा। तो इसको डुप्लीकेट करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट, और एक डुप्लीकेट 3 बार बना दिया मैंने, तो ये मैं नीचे लूँगा, ये सबसे नीचे लेता हूँ और ये मिडल में। तो यहाँ पे अभी टाइप करूँगा मैं, यहाँ पे टाइप करना है हाउ टू चेक यहाँ पे पीसी कॉन्फ़िगरेशन, पीसी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे लिखता हूँ इन विंडोज़ 10, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे हम लोग ने अभी ये हमारा सेंटेंस लिख दिया है पूरा टॉपिक का। तो अभी इसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे, तो डिज़ाइन करने के लिए
यहाँ पे देखिए आपको फॉन्ट दिया है यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे क्लिक करके आप लेफ्ट हैंड साइड से कोई भी फॉन्ट आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एंटॉन, सबके लिए मैं एक ही ले रहा हूँ, ठीक है एक ही। तो अभी इसको हमें कलर देना है, तो कलर देने के लिए इसका पहले फॉन्ट हम बड़ा कर लेते हैं साइज पीसी का भी, ठीक है ऐसे। इसको थोड़ा साइज से लगा देते बीच में और ये नीचे, ओके। तो अभी इसको हम कलर देंगे फॉन्ट को, तो कलर के लिए मैं इसको यहाँ पे दे रहा हूँ येलो कलर, ठीक है। और इसका इसको मैं थोड़ा इफेक्ट दे दूँगा, ये ग्लिच वाला या फिर शेडो वाला, ठीक है शेडो वाला इफेक्ट दिया मैंने। फिर नीचे आते पीसी कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे भी मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, इसको मैं कलर दे रहा हूँ ये वाला, ठीक है। और इसका भी मैं इफेक्ट्स शैडो या फिर लिफ्ट लिफ्ट कर दिया मैंने, ओके। और यहाँ पे इसका कर देते हैं हम लोग रेड, ओके। तो रेड यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, तो इसके पीछे हम लोग एक शेप ऐड कर देंगे बैकग्राउंड में। तो इसके लिए क्या करना है, एलिमेंट्स में जाना है, यहाँ पे टाइप करना है शेप्स, एंटर, और एक कोई भी शेप उठाना है यहाँ से। तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल लेता हूँ और इसका कलर मैं वो कर देता हूँ वाइट, ठीक है। तो ये अभी ऐसे दिख रहा है, तो इसका थोड़ा साइज हम डिक्रीज करेंगे यहाँ से, इतना रखते नहीं तो ऐसे। और इसका साइज थोड़ा कम कर देंगे, ओके। एंड थोड़ा इफेक्ट देंगे इसको, लिफ्ट, ओके। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ऐसे कुछ। इसके बाद हम यहाँ पे YouTube का एक लोगो ऐड करेंगे, तो YouTube यहाँ पे टाइप करना है YouTube, तो यहाँ पे लोगो आ जाएगा फ्री वाले, जो भी आपको लगाना है आप लगा सकते हो। मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका साइज़ थोड़ा हम डिक्रीज करेंगे यहाँ पे छोटा, और इसको थोड़ा नीचे लेके यहाँ पे आपका आइकॉन आ जाएगा यूट्यूब का, तो थोड़ा और छोटा करेंगे। तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अभी मैं इसको आपको छोटा करके दिखाता हूँ, ये YouTube का साइज़ का था मैं। अभी देखिए दिख रहा है ये, हाउ टू चेक पीसी कॉन्फ़िगरेशन इन विंडोज़ 10, ठीक है। वैसे ही दोस्तों आप भी बना सकते हो अपने पीसी पे या मोबाइल से, बहुत ही सिंपल है। कैनवा यूज़ करके आप कोई भी थंबनेल, कोई भी आपका टॉपिक हो आप बना सकते हो इजीली, बस 5 मिनट के अंदर। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिए, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।